हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, इसी के साथ सबकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होंगी। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग एसएससी के ऊपर देखने वाले हैं। एसएससी एमटीएस जो होता है मल्टीटास्किंग, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। हम लोग सैलरी देखने वाले हैं, वो भी एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी सिटीज के हिसाब से। साथ के साथ बेनिफिट्स एंड पर्क्स देखेंगे हम लोग, और क्या क्या यहाँ पे उनको मिलता है सैलरी में, वो सब हम लोग इन डिटेल जानने वाले हैं। साथ में साथ यहाँ पे मैं आपके लिए सैलरी स्लिप भी यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आपको एक फुल व्यू मिलने वाला है एसएससी एमटीएस के ऊपर कि क्या यहाँ पे जॉब पोस्ट रहती है, उसके अंडर में सैलरी स्लिप क्या रहती है, सैलरी में कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं, इसी के साथ क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या आपको इन हैंड मिलने वाला है एक्स कैटेगरी वाई सेड इन सिटीज में, और यहाँ पे बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और बिना स्किप करे देखिए ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जो है बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसएससी जो होता है एमटीएस, यहाँ पे उसमें सैलरी क्या रहती है एक्स वाई जेड कैटेगरी सिटीज के हिसाब से। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं पहले कि सैलरी का क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है यहाँ पे। सबसे पहले सैलरी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा इन हैंड सैलरी एसएससी एमटीएस में, तो यहाँ पे हम लोग सैलरी कंपोनेंट्स देखेंगे। एक्स वाई जेड कैटेगरी सिटीज हमारा रहेगा, ग्रेड पे जो रहता है वो 1800 का रहता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 18,000 से लेके 56,900 तक का यहाँ पे आपकी सैलरी जो है जा सकती है, यानी कि बेसिक पे जाता है बेसिकली। यहाँ पे बेसिक पे यहाँ पे 18,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है इस पोस्ट पे। अब ये तीनों ही सिटीज में सेम रहने वाला है। उसके बाद एचआरए आ जाता है, जिसमें एचआरए 4,860 रुपीज एक्स सिटीज, 3,240 रुपीज वाई सिटी और 1,620 आपका जेड सिटीज में रहता है। फिर आता है डीए, डीए 50% हो चुका जाएगी, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। 50% के हिसाब से 9,000 का आपका डीए बनता है, जो कि तीनों ही सिटीज में सेम रहता है। उसके बाद टीए आ जाता है, टीए में आपको 2,220 रुपीज आपको मिलते हैं एक्स सिटीज में, और वाई और जेड में भी लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का डिफरेंस रहता है, जो कि यहाँ पे आपको उस पोस्ट पे जाने के बाद पता लग जाएगा। इसी के बाद ग्रॉस सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 34,080 रुपीज की एक्स सिटीज में, 32,460 रुपीज की वाई सिटी में और 30,840 की आपकी जेड सिटीज में यहाँ पे बनती है सैलरी। और यहाँ पे इसी के साथ ये जो सैलरी होती है जब आप इस पोस्ट पे जाते हैं, तो कुछ मंथ्स तो आपको यही सैलरी मिलती है, क्योंकि आपका एनपीएस डिडक्शन कार्ड नहीं बनता। जब डिडक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद जो सैलरी बनती है वो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती है, जिसको हम लोग इनहैंड सैलरी बोलते हैं। तो हम लोग उसको देखते हैं। डिडक्शंस में अगर मैं बात करूं तो मेजर आपका डिडक्शन एनपीएस होता है, जो कि 2,700 रुपीज़ का है और तीनों सिटीज़ में सेम है। उसके बाद सीजीएचएस हो गया, जो कि 250 रुपीज़ का आपका एक्स सिटीज़ में कटता है, वाई और जेड में ज़रूरी नहीं है कि कटे। फिर सीजीईजीआईएस हो गया, जो कि 60 रुपीज़ होता है, वो आपका एक्स और वाई सिटीज़ में कटता है, जेड में नहीं कटता। अब अगर हम लोग टोटल डिडक्शंस की बात करें, 3,010 रुपीज़ की एक्स सिटी में, 2,760 की आपकी वाई सिटी में और 2,700 की आपकी जेड सिटी में, ये डिडक्शंस है। अब इसी को यहाँ पे ग्रॉस में से अगर हम लोग डिडक्शंस को माइनस कर देंगे तो आपकी इनहैंड सैलरी निकल आ जाएगी एसएससी एमटीएस की। तो यहाँ पे एक्स सिटीज में एसएससी एमटीएस की इनहैंड सैलरी 31,070 रुपीज, 29,700 वाई सिटी में और 28,140 आपकी जेड सिटी में यहाँ पे एसएससी की सैलरी हो गई, एसएससी एमटीएस की इनहैंड सैलरी। तो ये तो बात हो गई आपकी इनहैंड सैलरी के ऊपर कि इनहैंड सैलरी रहती क्या है एक्स वाई जेड कैटेगरी सिटीज के हिसाब से। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे यहाँ पे सैलरी स्लिप आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो है अहमदाबाद की पोस्टिंग है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ। फिर आपका ये पे बैंड देख सकते हैं, लेवल वन है यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 का यहाँ पे है। बेसिक पे 18,000 आपको दिख रहा है, और इसी के साथ डीए 5,580, एचआरए 5,400, टीपीटी अलाउंसेस 1,769, यहाँ पे टोटल जो बन गया और 30,749 का है। डिडक्शंस अगर देख लें तो 2,818 रुपीस के हैं। तो यहाँ पे जो नेट इनहैंड सैलरी बन रही है इन अहमदाबाद, वो 27,961 रुपीस की बन रही है। ये आपको सैलरी स्लिप क्लियरली बता रही है एसएससी एमटीएस में क्या क्या आपके कंपोनेंट्स रहते हैं सैलरी में। तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो लगभग इसी के अराउंड रहने वाली है। जहाँ पे आप पोस्ट होते हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत कंडीशंस के हिसाब से कहाँ पे पोस्टिंग होती है उसके हिसाब से आपके अलाउंसेस भी बढ़ सकते हैं और आपके डिडक्शंस भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें, तो अप्रोक्सीमेटली जो सैलरी हमने उसकी बात की है और वहीं पे कहीं ना कहीं उसी के अराउंड आपकी सैलरी रहने वाली है एक्स वाई जेड कैटेगरी सिटीज में। अब इसके बाद हम लोग प्रमोशंस के बारे में देख लेते हैं, प्रमोशन ग्रोथ क्या रहता है एसएससी एमटीएस का 2024 में। ग्रोथ की बात हम लोग बात करें, प्रमोशन यहाँ पे ईयर ऑफ सर्विस पे इंक्रीमेंट पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट प्रमोशन जो होता है वो आपका तीन ईयर के, मतलब थ्री ईयर्स जब आप उस में एमटीएस में दे देते हैं उसके बाद आपका पहला इंक्रीमेंट होता है, जो कि 1900 रुपीस का होता है। उसके बाद सेकंड प्रमोशन जो होता है वो भी तीन साल की सर्विस में होता है, जो कि 2000 रुपए का कंटिन्यूस रहता है।
उसके बाद थर्ड प्रमोशन आ जाता है जो कि 5 साल की सर्विस तक रहता है, जो कि 2400 तक का आपका इंक्रीमेंट रहता है। उसी के बाद अगर मैं फाइनल प्रमोशन की बात करूँ तो 5400 तक कंटिन्यू रहता है। और ये बात हो गई आपकी इंक्रीमेंट की कि जो आपकी सैलरी है वो कैसे कैसे बढ़ती रहेगी पीरियड टू पीरियड। अब अगर हम लोग यहाँ पर पोस्ट की बात करें, कौन कौन सी पोस्ट रहती है, जब आप MTS पे जाते हैं, MTS से आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क पे आपकी पोस्टिंग होती है, ये आपके लिए प्रमोशन हो गया। उसी के बाद आपकी जो नेक्स्ट आती है वो असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टिंग जो आपकी आती है डिविजनल क्लर्क होता है। फिर नेक्स्ट जो आती है वो सेक्शन ऑफिसर होता है। तो ये जो है यहाँ पे ग्रोथ और साथ के साथ प्रमोशन, ये रहता है SSC MTS का। यहाँ पे आप लोगों ने क्लियरली देख लिया जो SSC MTS है वहाँ पे उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, और यहाँ पे आपको सेक्शन ऑफिसर तक जाने का यहाँ पे मिलता है। आप वहाँ तक उस पोस्ट तक जा सकते हैं, जितनी अर्ली ज्वाइनिंग है उतनी जल्दी आप उस पोस्ट पे पहुँच सकते हैं। तो ये पूरा आपका इंक्रीमेंट ग्रोथ और प्रमोशन की बात हो गई SSC MTS की। अब हम आगे बढ़े और यहाँ पे देखें SSC MTS में पोस्ट कौन कौन सी आती है। हम लोग पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट में हवलदार, दफ्तारी, पियोन, जमादार, जूनियर गेस्टेड ऑपरेटर, चौकीदार, सफाई वाला, माली, ये सारी पोस्ट जो है वो SSC MTS के अंडर आती है। आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट पर पोस्टिंग मिलने वाली है। इसी के साथ अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ SSC MTS में, तो यहाँ पे जो ऑफिस होता है उसको साफ रखने का, साफ सफाई का काम पूरा होता है। फाइल और जो भी यहाँ पे पेपर्स होते हैं उसको यहाँ पे कैरी करने का काम रहता है ऑफिस के बाहर अंदर। जो भी आपके अपर मतलब आपसे ऊपर के जो भी ऑफिसर है या जो भी है वहाँ पे, वो आपको जो काम देता है वो आपका काम है। उसी के साथ यहाँ पे फिजिकल मेंटेनेंस जो होती है वो सारी हो गई, रिकॉर्ड्स की ऑफिस की फोटो कॉपिंग, सेंडिंग फैक्स हो गया, फिर नॉन क्लैरिकल वर्क जैसे सेक्शन यूनिट वगैरह में, फिर रूटीन वर्क जो होता है डिस्पैच वगैरह का वो सब भी हो गया। फिर यहाँ पे डाक डिलीवरिंग और पोस्ट भी आ जाता है। फिर रूम की सफाई, फर्नीचर की सफाई, ये सब हो गया। और यहाँ पे जो भी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क होता है वो भी आता है। तो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे ऑफिस वर्क मिलने वाला है कि आपको दूसरा पोस्ट मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपके पोस्ट पे डिपेंड करती है, आपके नंबर्स पे डिपेंड करती है। तो पोस्ट काफ़ी अच्छी है, जो भी यहाँ पे कर रहा है प्रिपरेशन उसके लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे SSC MTS की सैलरी के बारे में बात करी। हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा सैलरी स्लिप में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हम लोगों ने सैलरी जो देखी XYZ कैटेगरी सिटीज़ के हिसाब से देखी। हम लोगों ने यहाँ पे प्रमोशन, ग्रोथ, करियर हम लोगों ने देखा क्या क्या रहता है, इंक्रीमेंट देखा हम लोगों ने, जॉब प्रोफाइल भी देख ली, और हम लोगों ने पोस्ट देख लिया SSC MTS के अंदर क्या क्या आती है। तो ये फुल इन्फॉर्मेशन थी आपके SSC MTS के बारे में। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। साथ के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, किस पोस्ट पे चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, तो हम लोग उस पे जल्द से जल्द वीडियो लेके भी आएंगे। और साथ के साथ आपका प्रिपरेशन अच्छा चलता रहे और कोई ना कोई पोस्ट हर कोई निकाल ले, 2024 सबके लिए अच्छा ईयर हो, यही चीज़ रहेगी। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।